सो है गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो हम लोग निकल रहे हैं आज अष्टमी में के दिन। तो पहले जाएंगे कांसीपुर राजबाड़ी, उसके बाद भमोरिया। तो हम लोग सारे तैयार हैं, तो निकल रहे हैं। तो ब्लॉग पर बने रहे, तो गाइस ब्लॉग पर बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा कांसीपुर राजबाड़ी। तो बस गाड़ी का पार्किंग करने दो थोड़ा, उसके बाद निकलेंगे। तो फाइनल गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, गाड़ी से उतर चुके हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा डॉन भैया, और ये है डॉन का बड़ा भैया। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो दिखा रहा हूँ अगले सीन, मतलब बहुत ज्यादा शोर मचे वहाँ पे, बड़ा प्रॉब्लम होगा सुनने में, पर हम तो प्यारे हैं भाई, मेंटेन के लर्न, ठीक है। तो चलिए पहले सीन दिखाता हूँ। भाई जी नहीं आ रहा है ये भाई, आ रहे हैं भाई, कुछ बोलेगा? अच्छा, हम अंदर जाने के बाद एक शायरी बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये है गाइस कांसीपुर राजबाड़ी का गेट, ठीक है। तो अंधेरा नहीं हुआ, तो लाइट अभी तक जला नहीं, तो भीड़ देखो गाइस कितना हुआ आज है अष्टमी, ठीक है। तो चलिए अंदर जाके दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा राजबाड़ी, ठीक है। देखो कैमरा में जितना कैप्चर हो रहा है वही दिखाऊंगा, ठीक है, पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखो गाइस भीड़ कितना हुआ है, और ये रहा राजबाड़ी, इतना खूबसूरत लग रहा है गाइस देखो। तो देखो गाइस ये रहा कांसीपुर का राजबाड़ी, गौर से देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। किसी ने देखा नहीं तो देख लो, वरना मिस, बहुत बड़ी मिस हो जाएगी। देखो गाइस अब अच्छी तरह से नजर आएगी, ये रहा कांसीपुर राजबाड़ी, इसके अंदर जाएंगे थोड़ा और वहाँ का सीन भी दिखाएंगे। तो आप बाहर से देख लो, ठीक है। देखो गाइस कितना लोग आया, देखो बहुत सारे भीड़ हुआ है, बस कॉपीराइट ना आ जाए, यहाँ पे सॉन्ग बज रहा है, शायद डांस वगैरह होगा कुछ, ठीक है। और ये रहा हमारा दोस्त लोग, रसिक, अरे भाई हाई कर दो ना, कोई हमारा वीडियो दिखता ही नहीं। दुल्हन ने कैमरा लेके आया है तो वही निकल रहा है, देखो थोड़ा फोटो वगैरह खींचेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे ऐसे। फिर भमोरिया भी जाना पड़ेगा, नितुड़िया भी जाना पड़ेगा, बहुत सारे जगह दिखाना होगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो बस देख लो। तो गाइस हम लोग अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो भीड़ बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा शायद, देखते हैं। तो गाइस इंतजार करना पड़ रहा है, शायद मास्क मांग रहा है, नहीं वो तो खुला खुला आ रहा है अंदर, जाने के लिए मांग रहा है, आने के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, एक बार अगर अंदर जाए तो कोई बात नहीं, जाने वक्त करो ना, आने के वक्त कुछ नहीं। अरे यार ये तो गजब। तो गाइस देखो कितना भीड़ जा रहे हैं अंदर। अरे यस, तो गाइस फाइनली अंदर आ चुके हैं हम लोग। तो ये रहा राजबाड़ी का फ्रंट व्यू, तो देखा रहा हूँ, ये तो फ्रंट नहीं, इनसाइड व्यू है, इनसाइड मतलब इनसाइड का फ्रंट। हाँ ठीक है, अच्छा ये बात, वो वाले तो
गाइस देखो इतना यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए हैं गाइस। माँ को देखने जाए क्या? बोला हाँ बोलो। माँ को देखने जाए क्या? हाँ जरूर, माँ को देखने के लिए ही थी। हाँ दूर से आए। हाँ जी चलो ना देख कर चले गए, पूरा मन नहीं। सो फाइनल गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ का माँ को कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, देख के निकल जाएंगे यहाँ से। हमारा चोटी कहीं उठाने ले जाए लो उसको, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पीटेंगे, दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। तो गाइस हम लोग अब चोटी ढूंढना पड़ेगा यार, कहाँ गई है। तो गाइस राजबाड़ी के अंदर फ्रंट व्यू में कुछ है, ठीक है, तो वही दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ मिलता है तो अच्छे, और कुछ मिलता है तो यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नहाने का चीज है शायद, नहाने का चीज है शायद, शायद नहीं नहाने का ही चीज है। अरे यार तो गाइस चलो चलिए नहा लेते हैं, नहा लेते नहा के निकल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं नहाने। बढ़िया चलो निकल रहे हैं। वैसे ये रहा काशीपुर राजबाड़ का नाइट व्यू, मतलब अंदर में लाइट देखे कैसा दिखता है। तो गाइस देखो ये तो मतलब बाउंड्री है, तो वहाँ पे डांस चल रहा है। देखो गाइस जो मैं कह रहा था कि शायद कुछ प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो ये रहा गाइस यहाँ का नाइट व्यू। देखो लाइट जब हम पहले हम लोग जब आए थे तो अब रेस्टोरेंट नहीं थे, अब रेस्टोरेंट बैठा है देखो। चलिए ब्लॉग पर बने रहे, और ये रहा हमारा डॉन का बड़े भाई, आज कैमरा लेके हर वक्त घूम रहा है। तो गाइस हमारा अंदर घूमना हो चुका है, ठीक है, तो निकल रहे हैं, और लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, तो फिर बमरिया जाके हम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस बस पहुँचने वाले हैं बमरिया, थोड़ा ट्रैफिक फंस चुका हूँ। गाड़ी से दिख नहीं ले रहा है कैमरा में, दिखाऊंगा सारे के सारे दिखाऊंगा, वेट करना पड़ेगा जरा, गाड़ी को पार्किंग करने दो, ठीक है, उसके बाद दिखाऊंगा। ये रहा गाइस बमरिया के मेन गेट, बहुत ही अच्छा नजारा लग रहा है, एयर फोर्स लगा हुआ है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भमरिया, ठीक है, तो गाड़ी पार्किंग करके हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो देखते हैं, लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, तो वीडियो को आगे जाके फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग मंडल आ चुके हैं अंदर, बहुत वक्त के बाद, बहुत वक्त के बाद कुछ और ही है भाई, कुछ और ही है। तो गाइस ये रहा भमरिया का नजारा। तो गाइस ये क्या गाइस, भारत का शान है। तो गाइस भाई साहब कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है भाई। ओ गाइस भाई ब्यूटी, व्हाट अ व्यू। ये रहा गाइस भमरिया, और ये रहा हमारा नीरज चोपड़ा साहब सर जी। अगर कोई इस साल नहीं आ सकते तो घर बैठे आप लोग दे सकते हमारे इस YouTube चैनल, इस YouTube चैनल पे। बस आगे ऐसे ही निकल नहीं जाना, बस सब्सक्राइब करके जाना बस। मुरिया गाइस मुरिया, बस देखते जाओ गाइस।
बोलिए हाथ जाके जय माँ दुर्गा। तो गाइस यही था भमरिया का पैंडल, यही इससे हिंदी में क्या कहते पता नहीं, नगर दला में क्या कहते हैं बंगाली में। तो गाइस नहीं पे चढ़ेंगे तो इसलिए आया हूँ। गेरा गाइस तो क्या कहते हैं नगर दला में क्या, और उस तरफ छोटे बच्चों का खिलौना है और उस तरफ दुकान सारे बैठा है जो कैंटीन मतलब खाने का चीज बेच रहे हो तरफ, तो दिखाएंगे थोड़ा, बस देखते जाओ गाइस देखते जाओ, बस बहुत मजा आएगा। घर बैठे आप सारे के सारे चीज देख सकते हो चैनल पे, मतलब पूरा दुनिया का तो नहीं देखते, हम जहाँ जहाँ जाएंगे वही तो दिखा पाएंगे ना। गाइस जितने हो सके मैं कोशिश करूंगा कि दिखाने के लिए, ठीक है। तो गाइस हम लोग नगरदला में उड़ चुके, देखते हैं कैसा मजा लगता है। डर कुछ आवाज नहीं निकल रहा है, डर लग रहा है भाई बहुत। अरे यार यहाँ से घूम के जब वहाँ उतर रहे हैं ना तो कैसा लग रहा है, सही नजारा। अरे यार गजब गजब का फीलिंग, बहुत बढ़िया भाई। तो गाइस फाइनली हमारा मक्का का दही से रुक चुका है, ठीक है। तो बहुत डर हमें तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा है डर से भाई, बहुत डर लग रहा था भाई कसम से यार, कसम से पहली बार चढ़ा था ना इसलिए तो हमको तो ज्यादा डर लग रहा है। रुक चुके हैं ठीक है, हम बहुत एकदम पूरा टॉप पे है, यहाँ पे उतरेंगे और निकल जाएंगे। बहुत डर लग रहा है, बहुत मतलब क्या बोले यार, यहाँ से जरा नजारा दिखा दो। डर से तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था भाई, क्या बोले आप लोगों को भाई, बहुत मजा आया यार। डर लग रहा था, अभी भी नहीं लेकिन निकल रहा है आवाज, डर लग रहा था लेकिन मजा आया, बहुत मजा आया। तो गाइस भमरिया से निकल के हम लोग आ चुके हैं नितुड़िया, भूख बहुत जोर से लगी थी तो थोड़ा टायर्ड लग रहा था इसलिए मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो आप आया हो नितुड़िया पे, तो पहले जैसे यहाँ पे भी यहाँ का नजारा दिखाएंगे, आप लोग घर बैठे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा नितुड़िया का गेट अंदर जाने का, मस्त लग रहा है भाई, भमरिया से तो बहुत अच्छा है। नितुड़िया डोनेट किस है, डोनेट गुजरा पूछा लास्ट। सो गाइस अंदर जा रहा हूँ और लोगों को भी दिखा रहा हूँ थोड़ा। नितुड़िया और ये तो सारे बैठ चुका है खेल देखने में बीची है, जो केकेआर और दिल्ली का आज टूर्नामेंट नहीं सेमीफाइनल है, केकेआर जीतेगा या हारेगा, जो जीतेगा वो फाइनल जाएगा। अरे ये तो सभी को पता है भाई, पता है तो क्यों पूछ रहा है, चल जा यार। मैंने पूछा केकेआर जीतेगा या हारेगा, केकेआर हारेगा सच्ची, देखते है क्या होता है। मैंने बोला था फाइनली गया केकेआर जीत चुका है, हारेगा डीसी हार गया, हारेगा तो केकेआर हारेगा बोला, मैंने बोला कि केकेआर नहीं हारेगा, केकेआर हारेगा बोला था, शायद सुना नहीं, नहीं सुना नहीं यार। रिवर्स में जाओ क्या, हारेगा रिवर्स में जाओ क्या, जाओ
ठीक है। तो फाइनल गाइस हमारा लड़का जीत चुका है। ऐ साला हारा नहीं ले बेमान भाई। ऐ क्या बनना। तो गाइस मिथिला से निकल के हम लोग आए हैं, पता नहीं कौन सा जगह है, धावा के रुके हैं, खाना खाएंगे और पूजा की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं गाइस। सो गाइस हम लोग पुरला में नहीं रुके थे, सीधा घर निकल गए। ठीक है, तो आई होप गाइस छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो गाइस अगले वाले वीडियो आने तक के लिए बाय बाय।